हे गाइस, वेलकम टू रिसर्च पॉइंट। माय सेल्फ रशिका, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री, जो कि हमारी तमिलनाडु बुक की है और ये सेकेंड ईयर के, इट मीन्स क्लास 12th। ओके, तो यहाँ पे हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री देख रहे हैं और हम लोग ऑलरेडी एंशिएंट और मिडिवल कंप्लीट कर चुके हैं, तो उन सारे की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। तो कल ही हम लोग इस न्यू बुक को स्टार्ट किए, तो फर्स्ट लेसन की हमारी आधी ही रही थी, वो कंप्लीट नहीं हुई, तो आज मैं उसको कंप्लीट करवा देती हूँ। ओके, तो इस फर्स्ट चैप्टर में हम लोग अब तक देखे हैं कि बंगाल के जो गवर्नर जनरल है वो है वैरन हेस्टिंग थे, और उनके शासनकाल में उन्होंने जब यहाँ पे गवर्नर जनरल का पोस्ट लिया था, तो वो ये चीज़ देख रहे थे कि इंडिया में काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे रिफ़ॉर्म करने की ज़रूरत है। तो वो काफ़ी ऐसी जगहों पर, काफ़ी ऐसे फील्ड में उन्होंने रिफ़ॉर्म की, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन पर रिफ़ॉर्म किया, उन्होंने लोगों के ऊपर उनकी वेलबिंग के लिए रिफ़ॉर्म किया, उन्होंने लोगों की और सोसाइटी में अच्छी चीज़ों को लाने के लिए रिफ़ॉर्म किया, उन्होंने ट्रेड में रिफ़ॉर्म की। तो हर एक फील्ड में उन्होंने रिफ़ॉर्म की, जिससे कि इंडिया की जो कुछ सिचुएशन है वो बेटर हो सके, लोगों की सिचुएशन बेटर हो सके। ओके, करप्शन बहुत ज़्यादा था जो कि देखने को मिल रहा था, तो करप्शन कम करने के लिए भी उन्होंने काफ़ी रिफॉर्म्स किए थे। तो वैरन हेस्टिंग के ही अधीन में सारे काम हुई थी। तो यहाँ पे कुछ वॉर भी हुए थे, वो हम लोग देख रहे थे। तो अब आज हम लोग देखते हैं कि सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, जो कि 1780 से लेकर 84 तक चला था, जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर था वो 1767 से 69 तक चला था। हैदर अली यहाँ पे विक्टोरियस इमर्ज हुए थे, और वो भी ब्रिटिश के अगेंस्ट में, यानी हैदर अली यहाँ पे जीत गए थे। और इस वॉर के एंड में एक डिफेंसिव ट्रीटी भी कंक्लूड हुआ था, यानी जो बचाव ट्रीटी होती, डिफेंसिव ट्रीटी भी यहाँ पे कंक्लूड हुआ था, वो हैदर अली और ब्रिटिश के बीच में। 11 ईयर्स के बाद क्या हुआ कि सेकेंड मैसूर वॉर फिर से हुआ, और मेन कॉजेज जो ये सेकेंड मैसूर वॉर का है वो देखते हैं, क्योंकि यही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट कॉजेज ये है कि ब्रिटिश जो है यहाँ पे सारी जो भी डिफेंसिव ट्रीटी के जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस थे उनको फुलफ़िल करने के लिए वो फेल्ड हो गए, वो वैसा नहीं कर पाए, और हैदर के साथ रहकर वो ऐसा नहीं कर पाए, जबकि उनके यहाँ मराठा के द्वारा अटैक भी किया गया था 1771 में। ओके, तो जो ट्रीटी ऑफ डिफेंसिव ट्रीटी जो वहाँ पर साइन हुआ था फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के बाद, तो उनकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशन थी उनको फुलफ़िल नहीं कर पाए ब्रिटिश, तो इसलिए ये फिर दोबारा हुआ सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। सेकेंड कॉजेस क्या है, रीज़न क्या है कि यहाँ पे एक तरीके की हॉस्टिलिटीज़ जो थी वो आउटब्रेक हुई, और ये इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में जब अमेरिकन वॉर यहाँ पे हो रही थी इंडिपेंडेंस के लिए, जब अमेरिकन में वॉर हो रही थी, तो उस समय एक आपका हॉस्टिलिटीज़ के लिए आउटब्रेक हुई थी। थर्ड है कि यहाँ पे ब्रिटिश जो है पूरी तरीके से माहे को कैप्चर कर लिए थे। माहे एक आपको पौंडीचेरी के देखने को मिलेगा, एक आपका टेरिटरी है। तो यहाँ पे फ्रेंच सेटलमेंट थे, और वो भी हैदर की टेरिटरी के अधीन थे। हैदर अली जो है एक ग्रैंड अलायंस फॉर्म किए थे, वो भी निज़ाम ऑफ हैदराबाद के साथ, और मराठा जो थे वो ब्रिटिश के अगेंस्ट में थे 1779 में। तो जो वॉर है ना वो स्टार्ट हुआ जब ब्रिटिश जो है अपने फोर्सेस को हैदर टेरिटरी में लेकर गई उनके परमिशंस के बिना। ओके, और वो गुंटूर को पूरी तरीके से कैप्चर करना चाहती थी नॉर्दर्न सरकार्स में। हैदर अली यहाँ पर डिफ़ीट हो गए थे, हैदर अली ने हरा दिया था कोनोलेन बैली को, और वो आर्कोट को बैक कैप्चर कर लिए थे 1780 में। नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ कि वैरन हेस्टिंग जो है एक क्लेवर स्ट्रोक के, जो कि डिप्लोमेसी का एक बहुत ही चालाक चीज़ था, उनके सहायता से वो कॉन्फेडरेसी को डिवाइड करने लगे, और उसके बाद वो शांति बनाने लगे निज़ाम के साथ, और एक जो फ्रेंडशिप ऑफ बॉन्सेली थे ना उनको उन्होंने जीत लिया था। फिर उसके बाद वो समझ गए थे कि सचिंदा के साथ यानी मराठास के साथ उनको किस तरीके से बिहेव करना है। हैदर जो है वहाँ पे अपने अलायंस के साथ वो धीरे धीरे आइसोलेट होने लगे थे, और उसके बाद उनको हराया गया था सर एरिक कोटे के द्वारा, जो कि पोर्टो नोवो में थे, और वो मार्च 1781 में हुआ था। दिसंबर 1782 में क्या हुआ था कि हैदर की मृत्यु हो गई थी, वो भी कैंसर के थ्रू, और कैंसर के द्वारा ही हुई थी, और उनकी एज जो थी वो 60 थी, और उनकी डेथ जो थी ना, उनकी जो मृत्यु हुई थी उनको सीक्रेट रखा गया था, कब तक, जब उनके सन टीपू सुल्तान जो है पावर में नहीं आए थे, यानी जैसे ही उनके सन टीपू सुल्तान पावर में आ गए थे तब इस चीज़ को रिवील किया गया था कि हैदर अली की मृत्यु हो गई थी कैंसर से। ओके, तो जो सेकेंड मैसूर वॉर थी ना वो एंड होने लगी, और ये एंड किसके साथ हुई, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के साथ हुई, वो भी 1783 में। जितने भी कन्क्वेस्ट थे वो म्यूचुअली रिस्टोर किए गए, यानी जितनी भी जीत की गई उनको सबको रखा गया, और प्रिजनर्स को भी रखा गया, वो भी दोनों साइड। ओके, एक साइड आपके ब्रिटिश थे, एक साइड आपके हैदर अली थे। उसके बाद अब आते हैं पीट्स इंडिया एक्ट में। एक आपका लास्ट लेसन में मैं यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट को डिस्कस की थी, तो रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स थी, तो उनको प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए यहाँ पे ब्रिटिश के द्वारा पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया 1784 में। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट थी ना उन्होंने प्रूव कर दिया गया था कि वो एक अनसेटिस्फैक्ट्री डॉक्यूमेंट थी, और वो अपने ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए वो फेल हो गई थी। जनवरी 1784 में पिट्स जो यंग
थे, यानी वो जो थे वहाँ के इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे गवर्नर इलेक्शन के, जनरल इलेक्शन के बाद, तो उन्होंने एक इंडिया में एक इंडिया बिल जो है इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में। यहाँ पे बीटर डिबेट हुआ, यानी बहुत ही तगड़ा यहाँ पे आपको तीखा जो है डिबेट हुआ था दोनों हाउस में। और जो बिल है वो आपका 7 मंथ्स के बाद पास्ट हुआ था और वो एक रॉयल असेंट यहाँ पे रिसीव हुई थी अगस्त 1784 में। उसके बाद एक फेमस पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 की है वो निकल कर आई। तो पिट्स इंडिया एक्ट की भी कुछ मेन प्रोविज़न देखते हैं। यहाँ पे एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है बनाया गया था जिसमें 6 मेंबर थे और यहाँ पे क्राउन के द्वारा अपॉइंट किया गया था। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है ना वो भी यहाँ पे रिटेन किया गया था बिना किसी कंपोजिशन के अल्टर किए हुए, यानी जितनी भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के कंपोजिशन थे उनको अल्टर नहीं किया गया और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को भी यहाँ पे बनाया गया था। जो एक्ट है ना वो इंट्रोड्यूस किया था कि कुछ यहाँ पे चेंजेस होगी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में। यहाँ पे नंबर ऑफ जो मेंबर्स थे गवर्नर जनरल काउंसिल में उनको कम किया गया, पहले 4 थे अब 3 किया गया था, जिसमें कि कमांडर इन चीफ भी थे। पिट्स इंडिया एक्ट जो है यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट लैंडमार्क यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, जिसमें कि फॉरेन पॉलिसी देखने को मिला कंपनी की। एक क्रिटिकल रिव्यू अगर आप इस एक्ट की देखोगे तो उसमें रिवील किया गया था कि एक तरीके का यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन की जो काइंड थी ना वो इंट्रोड्यूस हुई थी कंपनी के फंक्शन में। और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे वो सारे कमर्शियल फंक्शंस को कंट्रोल कर रहे थे और साथ ही साथ जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे वो पॉलिटिकल अफेयर्स को मेंटेन कर रहे थे। इसके साथ क्या हुआ कि बोर्ड जो है वो एक किंग को रिप्रेजेंट कर रही थी और डायरेक्टर्स जो है वो कंपनी को सिंबलाइज कर रहे थे। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि किसकी किसकी क्या फंक्शन थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की क्या फंक्शन है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की क्या फंक्शन है। यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है यहाँ पे कमर्शियल फंक्शन को एस्टैब्लिश कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज कर रहे थे। अब वैरन हेस्टिंग की इम्पीचमेंट देखते हैं। ओके, इम्पीचमेंट मीन्स उनको उनके पद से हटाने की कोशिश करना। तो पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 का था वो काफ़ी रूड शॉक लेकर आया और एक बिटर डिसअपॉइंटमेंट था वैरन हेस्टिंग्स के लिए। जो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच थी वहाँ पे आपको गवर्नमेंट ऑफ बंगाल की एक पॉलिसी निकल कर आई जो कि वैरन हेस्टिंग के द्वारा कंसीडर की गई थी और उनके पर्सनल कैरेक्टर पर रिफ्लेक्ट कर रही थी। उनकी जो इमेज थी, रिपुटेशन थी, वो सारी जो है इंग्लैंड में बर्बाद हो चुकी थी। उन्होंने रिजाइन कर दिए थे, यानी त्यागपत्र दे दिए थे और वो इंडिया छोड़ दिए थे 1785 में। 1787 में क्या हुआ कि वैरन हेस्टिंग को इम्पीच किया गया पार्लियामेंट में, और वो भी एडमुंड बुरके के द्वारा, और विंग्स जो उनकी खुद की एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस थी। बुरके जो है वहाँ पे 22 चार्जेस फॉरवर्ड किए थे उनके अगेंस्ट में, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था ना वो वहाँ पे रोहिला वॉर के थ्रू उनको रिलेट कर रहे थे, जो नंदा कुमार का केस हुआ था उसमें, और जो राजा चैत सिंह की जो बनारस में जो वॉर हुई थी उसकी ट्रीटमेंट की। तो ये सारी चीज़ों जो है उनके अगेंस्ट में उनके ऊपर 22 चार्जेस लगाई गई थी। लेकिन कुछ लॉन्ग ट्रायल के बाद क्या हुआ ना, जो कि 1795 में लास्ट हो गई थी, तो वैरन हेस्टिंग जो है कम्प्लीटली एक्विटेड हो गए थे और उसके बाद जो है वो पेंशन भी रिसीव कर रहे थे, वो भी कंपनी से, और वो 1818 तक वहाँ पे जी, मतलब कि उनकी जो लाइफ थी वो पूरी 1818 तक थी। ओके, तो ये रही वैरन हेस्टिंग की इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट हुई लेकिन उनके अगेंस्ट में किस किस चीज़ पे वॉर जो चार्जेस लगी थी वो आपको याद रखना है। ओके, कौन कौन सी वॉर थी, कहाँ कहाँ पे उनको जो है चार्जेस लगाया गया, तो रोहिला वॉर है और नंदा कुमार के केस है, उसके बाद राजा चैत सिंह की ट्रीटमेंट है। ओके, तो नंदा कुमार जो थे वो एक इन्फ्लुएंशियल ऑफिशियल थे बंगाल के, और उनको जो है हैंग कर दिया गया था, यानी मृत्यु के लिए उनको लटका दिया गया था, वो भी सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद, वो भी कलकत्ता में दिया गया था। और यहाँ पे उनके फॉर्जरी के ऑफेंस थे, यानी वो कुछ गलत काम करते थे उनके ऊपर वो अपराध लगा था। जो इंग्लिश लॉ था वो इस जजमेंट में अप्लाइड हुआ था, और यहाँ पे वैरन हेस्टिंग और सर एलिजा एमपी जो थे, जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, वो भी कॉन्स्पायर्ड किए थे नंदा कुमार के अगेंस्ट में, यानी उन्होंने भी षड्यंत्र रचा था। वैरन हेस्टिंग्स जो है एक हेवी पेनल्टी इम्पोज किए थे राजा चैत सिंह पे, जो कि बनारस के थे, और यहाँ पे वो ट्रिब्यूट की जो पेमेंट थी ना वो काफ़ी देरी से दे देते, और उनके साथ वो जो है अनजस्ट मैनर्स से भी वो डिपोस्ट करते थे, यानी वो जो है उनके पास अच्छा मैनर भी नहीं था, वो अच्छा जो है वैरन हेस्टिंग को अच्छा जो रिस्पेक्ट भी नहीं देते थे। जो बेगम ऑफ औध थे ना वो मदर थी और ग्रैंड मदर थी नवाब ऑफ औध की। जो वैरन हेस्टिंग है वो नवाब को काफ़ी हेल्प किए थे, उनके वहाँ पे उनके लिए ट्रूप्स भी भेजे थे नवाब के हेल्प से, जो कि काफ़ी मनी भी स्क्वीज़ किया गया था बेगम से, और ये एक हाई हैंडेड पॉलिसी भी थी। ओके, अब देखते हैं कि क्या क्या एस्टिमेट थी वॉरन हेस्टिंग की। तो इनको जो है पर्सनैलिटी गिफ्ट की गई थी, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग विल है, ग्रेट एनर्जी है और रिसोर्सफुलनेस थी, ये सारी जो है खासियत थी वैरन हेस्टिंग की। उनकी जो लॉन्ग स्टे थी, यानी वो काफ़ी लंबे समय तक बंगाल में रहे थे, यानी वो मुगल कल्चर ट्रेडिशंस की भी शैडो में रहे थे। उसके बाद उनको अपॉर्चुनिटी दिया गया कि वो कुछ ओरिएंटल लैंग्वेज भी सीख सके, जैसे बंगाली सीखे, एक वहाँ की लोकल लैंग्वेज थी, पर्सियन सीख सकते जो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है,
उसके बाद इनको कंसीडर किया गया एज ए इंडियन कल्चर, जो कि इनका खुद का एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का काम करने का तरीका था। उसके बाद वो काफ़ी इंडियन लैंग्वेज को भी लर्न किए थे, इंडियन आर्ट्स को भी सीखे थे। उसके बाद जो इनकी टास्क थी ना, वो भी एक चैलेंजिंग वर्क थी, यानी चैलेंजिंग वन थी, जिसमें कि वो काफ़ी हॉस्टाइल वर्कर्स से, हॉस्टाइल फोर्सेस से वो सराउंडेड रहते थे। उन्होंने काफ़ी एक्सटर्नल एनिमीज़ को भी फेस किया, जिसमें कि काफ़ी करेज दिखाना पड़ता था और काफ़ी अनफेलिंग रिसोर्सेज भी रही। उनके जो इंटरनल ओपोनेंट थे, उनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेशेंस भी थी और फर्मनेस भी थी। यहाँ पे फाउंडेशंस हुआ था, जिसमें कि वेरन हेस्टिंग्स ने रखा था, और ये एक स्टेटली एडिफाइस का एक आपको नाम दिया गया। तो स्टेटली एडिफाइस की मीनिंग क्या हुई? स्टेटली एडिफाइस कहने का मतलब है कि उन्होंने, वेरन हेस्टिंग ने लोगों के दिल में काफ़ी, एक होता है ना कि बिलीफ उन्होंने पैदा कर लिया था। वहाँ के लोग हमारे, यानी बंगाल के लोग जो है, काफ़ी इन पे भरोसा करते थे। इनके जो एडमिनिस्ट्रेशन करने का स्टाइल था, इनका जो रिफॉर्म करने का तरीका था, ये काफ़ी लोगों को पसंद आ रहा था, क्योंकि उनके अल्टीमेटली फेवर में ही था। इसीलिए ओके, ये वेरन हेस्टिंग ने जो भी किया, एक इंडियन के फेवर में ही जाके काम की। बाद में जो वो कुछ भी करने लगे थे, वो ब्रिटिश के तौर पर ही कर रहे थे ओके, लेकिन स्टार्टिंग उन्होंने इंडियन के वेलफेयर के लिए ही की थी। तो अब देखते हैं कि हम लोग ने क्या क्या पढ़ाई की। तो पहले हम लोग देखें कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से अपनी रूल को इस्टेब्लिश की थी इंडिया में। उसके बाद वेरन हेस्टिंग के थ्रू क्या क्या रिफॉर्म्स लेकर आए, जैसे रेवेन्यू के लिए क्या क्या आया, जुडिशियल और ट्रेड में कैसे आए। जुडिशियल सिस्टम पूरी तरीके से करप्ट थी, तो उनको किस तरीके से करप्शन से बाहर निकालने के लिए उन्होंने जजेस अपॉइंट करना स्टार्ट किया, सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश की। उसके बाद जो है वहाँ पर आपका 3 जजेस हुए, एक आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुए। तो इस तरीके से जुडिशियल सिस्टम को पूरी तरीके से रिफॉर्म किया, ट्रेड को भी अच्छे से रिफॉर्म किया। उसके बाद जो रेगुलेटिंग एक्ट की पर्पस थी, वो निकल कर आई, इनकी मेरिट्स निकल कर आई, इनके डिफेक्ट्स भी निकल कर आई। उसके बाद वेरन हेस्टिंग अपने पॉलिसी को किस तरीके से एक्सपेंड किए, क्या क्या फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर और सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर की क्या आउटकम्स थी, ये भी हम पढ़े। उसके बाद देखिए कि पिट्स इंडिया मूवमेंट जो है आपका, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का, इसकी क्या इंपॉर्टेंस थी, इसकी क्या प्रोविजंस थी, वो भी देखे। उसके बाद वेरन हेस्टिंग की क्या अचीवमेंट थी, वो भी देखे ओके। तो ये रही पूरी तरीके से इस बुक की एंड। आइए अब हम लोग कुछ मॉडल क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि इसके बिना ये चैप्टर समझना अधूरा है ओके। तो एक बार अटेम्प्ट करके देखिए, आप लोग को खुद समझ में आएगी कि कहाँ कितना आप लोग समझ पाए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि बैटल ऑफ प्लासे किस ईयर में हुआ था। आई होप कि आप लोग ये बता दोगे, ये फर्स्ट ही है क्योंकि सेकंड थर्ड यहाँ पे नहीं पूछा गया। तो फर्स्ट जो बैटल ऑफ प्लासे है, वो किस ईयर में हुआ था। सेकंड मैसूर वॉर जो है, जब एंड हुई थी, तो ये किस ट्रीटी से हुई थी ओके। ट्रीटी ऑफ सलबई, पुरंदर, मैंगलोर और मैसूर। तो ये आपको आसानी से याद होगा, क्योंकि अभी अभी पढ़ाई हूँ मैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि फर्स्ट जो मैसूर वॉर हुआ था, एंग्लो मैसूर वॉर, तो वो किस ट्रीटी के साथ एंड हुई थी। उसके बाद कौन सी, यही वो वही वो ट्रीटी थी जिसके कारण जो है सेटिस्फाइड नहीं हुए थे, और उसके कारण सेकेंड मैसूर वॉर हुई थी। तो ये दोनों ट्रीटी की नाम आपको याद होनी चाहिए ओके। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। साथ ही यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है कि ड्यूल सिस्टम जो है, ये किनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। हैदर अली की मृत्यु किस ईयर में हुई थी। उसके बाद यहाँ मैच दी फॉलोइंग है, आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज़ करना है। वेरन हेस्टिंग जो है, एज्यूम किए थे गवर्नरशिप, वो भी फोर्ट विलियम का और 1774 में। तो आपको ये बताना है कि ये स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है। फिर रोहिला वॉर जो हुआ था, वो आपका जब वेरन हेस्टिंग की एडमिनिस्ट्रेशन थी, उसी समय हुई थी। थर्ड है कि अकॉर्डिंग टू द, अगर हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट के तहत देखें, तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की जो टर्म ऑफ ऑफिस है, वो 5 ईयर्स की है। उसके बाद राजा चैत सिंह जो थे, वो औध के रूलर थे। तो ये आपको चारों में से बतानी है कि कौन से स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है ओके। तो यहाँ पे सिर्फ ये फोर्थ स्टेटमेंट से ही, वन स्टेटमेंट से ही करेक्ट है। तो आपको बताना है कि ए बी सी डी में से कौन से करेक्ट है। इसे अटेम्प्ट करने का कोशिश कीजिए। आप लोग अटेम्प्ट नहीं करते हो, काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि मैं यहाँ पे इतना मेहनत करके आपको पढ़ाती हूँ, लेकिन आप लोग यहाँ पे अटेम्प्ट करके मुझे एक कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं दे सकते हो ओके। आप लोग उलूल जुलूल बात करते रहते हो इधर उधर की, कि ये पढ़ाओ, वो पढ़ाओ, ये पढ़ाओ, लेकिन जब मैं पढ़ाती हूँ, तो उसका सवाल पूछती हूँ, तो आप जवाब नहीं देते हो। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, अल्टीमेटली आपको नहीं फ़ायदा होगा। तो प्लीज़ आप लोग अटेम्प्ट लीजिएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में अटेम्प्ट करने का कोशिश कीजिए। मुझे उससे अच्छा लगता है ना, मुझे लगता है कि हाँ, बच्चे भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो पढ़ाने में एक अपनापन सा लगता है कि ओके, ऐसा लगता है कि वन वे साइड हो रही है, कि मैं ऐसे पढ़ाते जा रही हूँ, आप कुछ नहीं आउटपुट दे रहे हो ओके। तो चलिए, ये लेसन यहीं पे एंड हुई, कल मैं सेकंड लेसन के साथ आऊँगी। और अगर आपको ये लेसन अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट, क्वेरीज या सजेशन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। साथ ही अगर आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लो, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। थैंक यू।